सभी का हार्दिक स्वागत फार्मर वो यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू एग्रीकल्चर स्प्रे पंप, जो कि चेतक कृषि यंत्र इंडस्ट्री कर्जू चौराहे बड़े सादड़ी द्वारा बनाया गया है। इस स्प्रे पंप को हम किस से मंगवाएं और इसकी क्या प्राइस है, देखिए इस वीडियो में आगे। सबसे पहले बात करते हैं इस एग्रीकल्चर स्प्रे में आने वाले टैंक के बारे में। यह वाटर टैंक ओरिएंट कंपनी का स्पेशली एग्रीकल्चर टैंक बनाया गया है, जो कि जिसकी कैपेसिटी 500 लीटर की है। साथ ही यह टैंक 7 mm की थिकनेस के साथ आता है, जो कि लंबे समय तक चलता है। अब बात करते हैं इस स्प्रे में आने वाले पंप के बारे में। तो इसमें लगा है नटराज का सुपर एग्रीकल्चर स्प्रे पंप, जिसकी लोडिंग कैपेसिटी है 7.5 HP की। इस स्प्रे पंप में हमें मिल जाती है 1000 फीट की डिटोन कंपनी की सबसे बढ़िया नली पाइप, जो कि खेतों के अंदर हम लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। इस पंप के अंदर हमें सबसे अच्छा फीचर मिलता है हाउस ब्लॉगिंग का, जिसमें इसको एक ब्लॉक बनाकर बेरिंग द्वारा शाफ्ट लगाई गई है, जिससे के कारण किसी भी प्रकार की बबलिंग नहीं होती है और पंप की लाइफ भी बढ़ जाती है। जैसा कि आपने अभी वीडियो के अंदर देखा, पंप कितना लंबा स्प्रे कर रहा है और काफ़ी अच्छा सा फोग बना रहा है। यह पंप 1 मिनट के अंदर 30 से 60 लीटर पानी स्प्रे कर सकता है, कैपेसिटी है इसकी। हाँ, ठीक है। हाँ, आप बच्चे हैं।
अब बात करते हैं इस यंत्र कहाँ पे बनाया गया है। ये चैत्य कृषि इंडस्ट्री करजू चौराया बड़ी सादड़ी राजस्थान में बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके कॉन्टेक्ट नंबर, साथ ही यहाँ पे कल्टीवेटर ट्रॉली जो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस है बनाई जाती है। अभी हमारे इन किसान भाइयों ने इस स्प्रे पंप को 51,000 रुपये के अंदर ख़रीदा है। अगर आप भी इस मशीन को ख़रीदना चाहते हो तो नीचे जो नंबर है वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर दीजिए और अपनी मशीन बुक कर दीजिए। इस स्प्रे पंप को आपने अभी चलते हुए देखा तो किस तरह से ये चल रही थी। बिना बबलिंग के ये स्प्रे पंप आसानी से चल रही थी, किसी प्रकार की कोई बबलिंग नहीं दिखने को मिली हमें। साथ ही यहाँ पे इस ढांचे को बनाकर यहाँ पर गन रखने के लिए भी एक होल्डर टाइप बनाया गया है, जिसे किसान खेत से घर पे ले जाते टाइम गन रख सकता है। क्योंकि हम अन्य मशीनों के अंदर देखते हैं हमें गन रखने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कहीं हम जुगाड़ करके बांध सकते हैं, पर इस मशीन के साथ ही हमें ये पूरा फीचर मिलता है। बहुत ही शानदार इसके अंदर नटराज सुपर का पंप देखने को मिला है हमें। इस ढांचे को करजू चौराया तैयार किया जाता है और यहीं पे इसको बनाया जाता है। यहाँ पर जो चेतक इंडस्ट्री है ये इनके बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेटर ट्रॉली यहाँ कृषि यंत्र बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऑल ओवर राजस्थान में यहाँ के कृषि यंत्र भेजे जाते हैं। इस स्प्रे पंप अभी इस पंप के अंदर थोड़ा ऑयल कम है, जिसके कारण इसके अंदर ऑयल मिलाया डाला जा रहा है। बहुत सारे किसान भाई स्प्रे पंप ले तो लेते हैं पर उनका ऑयल चेक नहीं करते हैं, जबकि हमें इसके अंदर ग्रीस करके ऑयल भी चेक करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं चेतक कृषि इंडस्ट्री करजू चौराया इस कारखाने के बारे में। यहाँ पर जो ट्रोलियाँ बनती है वो बहुत ही ज़्यादा ऑल ओवर राजस्थान इंडिया के अंदर हमें मिल जाती है, बहुत ही फेमस ट्रोलियाँ हैं। और ये यहाँ पर स्प्रे पंप भी अब नए टाइप से बनाने लग गए हैं, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं यहाँ के स्प्रे पंप। यहाँ के ज़्यादातर कल्टीवेटर जो बहुत ही शानदार तरीके से जुताई के लिए काम में लिए जाते हैं, बहुत ही शानदार डिज़ाइन से बनाए जाते हैं और ट्रैक्टर को बिना लोड के ये यहाँ के यंत्र चलते हैं, इसलिए यहाँ के यंत्रों को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस जो कारखाना है इसका अगला वीडियो भी हम जल्दी लेके आएंगे और सभी यंत्रों की जानकारी भी लाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।